है, क्यूब में यंग मतलब जो क्यूब है वो बहुत मतलब ये कैसी इसी दुनिया में हम लोग रहते हैं, 3D में, क्यूब में ही जन्म लेते हैं और क्यूब में ही मर जाते हैं, एक रूम में जन्म लेते हैं और फाइनली एक क्यूबाइड सरफेस में ही हम लोग की डेथ हो जाती है, इसी में हम लोग की जिंदगी होती है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर समझ रहे हो, क्यूब का कॉर्नर क्या होता है? तो क्यूब जो है, क्यूब का कॉर्नर, ये जो सरफेस है वो एक्चुअली क्यूबाइड है। तो कॉर्नर देखो, यहाँ ये जो पॉइंट है वो कॉर्नर है यार, ये तो सरफेस है, ये तो फेस है यार, ये पॉइंट ये कॉर्नर है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे अगर मैं चार्ज रखता हूँ तो समझने की कोशिश करना कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, और यहाँ मैं चार्ज रखा कॉर्नर पे, चार्ज को मैं थोड़ा ब्लैक बना देता हूँ, ये एक क्यूब है और इस कॉर्नर पे मैंने चार्ज रख दिया, ये जो पॉइंट होता है वो कॉर्नर होता है। तो हमें व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स हो मतलब है वो हमें निकालना। फ्लक्स मतलब क्या होता है यार, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग टू द सरफेस। तो जैसे ही इस कॉर्नर पे चार्ज रखोगे तो इससे फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी यार, तो कुछ क्यूब को अंदर भी ऐसे भी जा रही होंगी फील्ड लाइन, यही तो होती है, प्लस चार्ज रखोगे तो फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे गॉस का थ्योरम लगाना पड़ेगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम सोच समझ के बनाते हैं। तो इस चार्ज को मैं तब तक गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते जब तक कि इमेजिनरी गॉसियन सरफेस नहीं बनाऊंगा। तो इस चार्ज को मैं ढक दूं, सरफेस के अंदर बंद कर दूं, ठीक है, जैसे किसी को डिब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है, उस तरह से मैं इसको बंद कर दूं एक अंदर में, जैसे किसी को रूम में बंद कर दो, ताला लगा दो, उस टाइप से बंद कर देना है। तो उसको बंद करने के लिए मुझे कम से कम एक इसको लेके 8 क्यूब चाहिए, 7 क्यूब और चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको, आप यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा विजुलाइज हो रहा होगा कि ये जो क्यूब था, ये इस टाइप से हमें 8 क्यूब चाहिए, एक क्यूब ये और ये, यब जो चार था वो यहाँ आ गया, ये चार्ज है, और मैं इस टाइप से पूरा क्यूब बना लिया और पूरे हमें 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी इसको लेके। तो अब मैं अगर गॉस थ्योरम, हम सबको पता है कि अगर कोई चार्ज है किसी बंद सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, तो इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे मतलब नहीं इसका शेप कैसा है। तो इन सभी 8ों क्यूब से जो फील्ड लाइनें निकल रही होंगी कुछ ऐसे निकल रही होंगी चार्ज से, ऐसे यार समझ में, ऐसे फील्ड लाइनें निकल रही होंगी। तो टोटल फ्लक्स बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 8 क्यूब। तो 8 क्यूब से इतना है, तो 1 क्यूब से हमें चाहिए ना भैया, 1 क्यूब से हमारी जरूरत है। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, एक क्यूब का फ्लक्स आ जाएगा 5 5 अपॉन 8, मतलब Q/8 ε₀। मुझे बंद करना ही पड़ेगा भाई, अदरवाइज मैं गॉस थ्योरम लगा ही नहीं पाऊंगा। तो ये बी ऑप्शन सही है, Q/8 ε₀।